हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जुलाई के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है, यानी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनके मन में है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो बताना नहीं चाहते पर आपके लिए फील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और झांकते हैं कि मन के अंदर मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ace of Wands, Eight of Pentacles, Four of Cups, Ten of Swords, and Knight of Swords. Okay, तो ऐसा लग रहा है कि Ace of Wands के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है इस मंथ में कि जैसे वो जो चाहते थे वो हो गया है, जो पर्सन उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपकी छोटी छोटी बातों को रीड कर रहा है, आपके बात करने के तरीके को, आपके बॉडी लैंग्वेज को जब भी आप उनके आसपास होते हैं, आपके इंट्रैक्शन को जो भी दूसरों के साथ हो रहे हैं, हर चीज़ को केयरफुली नोटिस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। ओके, और ये बात इनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। इस पर्सन को हमेशा से यही चाहिए था। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि जो भी वो फील करते हैं आपके लिए वो भी वही आप फील करते हैं उनके लिए। इनफैक्ट एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन तो एक दूसरी दुनिया में है। ओके, ये देख रहे हैं, ये वुमन यहाँ पेंट कर रही है। हो सकता है कि आपका लवर एक पेंटर भी हो और कहीं बैठकर वो आपकी फ़ोटो भी बना रहे हो एंड आपको पता भी नहीं, पेंट कर रहे हो आपके पिक्चर को। और पेंटर होना ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी पिक्चर्स भी देख रहा हो सकता है एंड काफ़ी कुछ एडमायर कर रहे हैं आपके बारे में, ये आपके अपीयरेंस को, आपकी ब्यूटी को, आपके कलरफुलनेस को, आपके प्लेफुलनेस को। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं आ सकती, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये एक परफेक्ट पिक्चर नज़र आ रही है और ये पर्सन इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि वो कहीं ना कहीं आपके सपनों में खोए हुए हैं। इनफैक्ट एट ऑफ पेंटिकल्स है फैंटेसीज के बारे में भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में जो उन्हें लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आप सोचेंगे कि पता नहीं है किस प्रकार का पर्सन है, किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या इनका जो बिहेवियर है वो सही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत डर रहा है जज होने से, तो पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर नहीं कर रहा। फोर ऑफ कप्स के साथ आजकल काफ़ी समय ये यूनिवर्स से आपको मांगते हुए बिताते हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि एक ना एक दिन आप उनसे आके ये कहें कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन चाहता है कि कुछ आपकी तरफ से इनिशिएट हो, पर इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ एक्वेरियस, इस पर्सन को कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। एक अजीब सी सिचुएशन उनकी जुलाई में बनी हुई है। एक तरफ तो ये आपको देखते हैं सोचते हैं कि वो कितने लकी हैं, उन्हें आखिर वो पर्सन मिल ही गया जिसके बारे में वो हमेशा सोचते थे, सब कुछ परफेक्ट है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी फीलिंग्स भी है उनके लिए। दूसरी तरफ ये टेन ऑफ सोर्ड्स लगता है ये सोचते सोचते जल्दी ही फिर ज़मीन पे आ जाते हैं, याद आता है कि कहीं ख्यालों में वो उड़ रहे थे और आप दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में चेंज करनी होगी अगर वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करें। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको कि लगता है कि बीच में से हटाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। ओके, एज गैप हो सकता है या लोकेशन का गैप हो सकता है, बैकग्राउंड का गैप हो सकता है, ब्रिंगिंग का गैप हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का गैप हो सकता है। और इस पर्सन को लगता है कि उन्हें वापस ज़मीन पर आ जाना चाहिए क्योंकि
ये सारी चीज़ें होना तो नामुमकिन है, उनका ये सपना सच होना तो नामुमकिन है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी डेस्परेट भी हो रहा है। ओके, ये पर्सन ज़्यादा दिन तक अपनी फीलिंग को अपने अंदर रख नहीं पाएगा, एंड ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इनके फीलिंग्स में, ये इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि इसका कुछ तो सोल्यूशन उन्हें निकालना पड़ेगा। या तो वो इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दें, आपको भूल जाए, जो उन्हें नहीं लगता कि एक पॉसिबिलिटी है, या फिर वो आके आपसे अपनी फीलिंग्स कहे। तो जल्द ही आप कुछ एक्शन लेते हुए देखेंगे इस पर्सन को। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Wands, Five of Swords, the Tower, Princess of Wands, and Three of Pentacles. Okay, तो हमारे पास है Ten of Wands. Ten of Wands के साथ इस person को ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके ऊपर बहुत बोझ है, बिना सोचे समझे ही ये कुछ भी सोच रहे हैं इस पॉइंट पे। यानी इस पर्सन को पता भी नहीं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं, पर फिर भी इस पर्सन ने अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ बना लिए हैं कि चूंकि आप ये प्रिंसेस ऑफ वांड्स हैं, इतने अमेजिंग और इतने कॉन्फिडेंट और अपने आप में कंप्लीट, इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ वैसी ही होंगी। ओके, ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है कि शायद आप कुछ ज़्यादा चाहेंगे उनसे, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा गैप हो सकता है जो बहुत मुश्किल लग रहा है इन्हें हटाना। वो भी एक वजह हो सकती है कि ये टेन ऑफ वांड्स का बोझ महसूस कर रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप दोनों एक पेज पे आ ही नहीं पा रहे, और इस चीज़ को ये पर्सन एक बोझ की तरह महसूस कर रहा है। द टावर के साथ ये फील कर रहे हैं जैसे कि इनके अंदर एक तूफान है जिसे इन्हें कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ेगा, और ये तूफान जो है इन्हें काफ़ी चेंज कर देगा। द टावर के साथ इस पर्सन को कुछ चैलेंजेस फेस करने हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन इन चीज़ों से डील करना चाहता है, इनफैक्ट कहीं जा नहीं रहा, कहीं भाग नहीं रहा, एंड इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है इस प्यार से, इस ड्रीम से जो ये पेंट कर रहे हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो ड्रीम पेंट कर रहे हैं, ये इस ड्रीम को नहीं छोड़ सकते, ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें कुछ डिस्कस करना चाहिए आपके साथ, पर बजाय आपके साथ डिस्कस करने के ये पर्सन दूसरे लोगों से आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों से शेयर कर रहा है, आइडियाज ले रहा है दूसरे लोगों से कि वो क्या कर सकते हैं। ओके, इस सिचुएशन में ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें आपसे मिलने से पहले खुद को तैयार करना है, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू लेने वाले हो या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला हो जिसके लिए उन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि वो रिजेक्शन का रिस्क नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते रिस्क इस तरीके से फ्रेंड जोन होने का। इन्हें डर है कि कहीं वो फ्रेंड जोन ना हो जाए या फ्रेंड जोन में ही ना रह जाए। अगर ये पर्सन आपका फ्रेंड है तो इन्हें लगता है कि कहीं वो फ्रेंड जोन में ही ना रह जाए, और इसके आगे जो वो सोच रहे हैं वो कहीं सिर्फ एक ड्रीम बन के ना रह जाए। इस डर के कारण ये पर्सन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, और यही डर इन्हें कुछ भी एक्सप्रेस करने से या एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Align your life. What is not aligned or needs to change? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा है जिसे चेंज करने की आवश्यकता है, जिसे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बिखरी हुई सी महसूस होंगी, लगेगा कि आप किसी चीज़ को बहुत दिन से संभालते आ रहे थे और वो बिखर गया। इस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है ये, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन अब बोलेगा, अब जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, आप काफ़ी ब्रोकन लग रहे हैं,
पर ब्रोकन या पर्सन भी है, इस वक्त आप दोनों को खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को समेटेंगे नहीं, फिर से अगला कदम नहीं ले पाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस मंथ में, जुलाई में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।